गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और अपनी प्रश्नावली 2.4 शुरू कर रहे हैं आज, तो 2.4 शुरू करते हैं। तो आप सब देखेंगे 2.4 कैसे करनी है। जैसे हमने 2.2 की थी वैसे ही है ये, तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो शुरू करें अपनी प्रश्नावली 2.4। ओके, तो 2.4 शुरू करते हैं। पहला किस्म देखेंगे आप लोग, पहला किस्म ये है, अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना एक संख्या को सोचती है। प्रश्न को पढ़ें और ध्यान से देखें। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटा कर, जो संख्या सोचती है उसमें से 5/2 घटाती है, बाकी करती है। तो 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है, तो उसको फिर 8 से गुणा भी करती है। 8 से गुणा करती है, कर लिया। अब जो परिणाम निकलता है, और लास्ट में जो परिणाम आता है, संख्या सोची उसे 5/2 घटाया और उसको 8 से गुणा किया, तो अब जो परिणाम आता है, अब ये सब करने के बाद जो बराबर में आंसर आएगा या परिणाम आता है, वह आता है वह सोची गई संख्या का तिगुना है। सोची गई संख्या का तिगुना या तीन गुना है, और वह सोची की संख्या कितनी है, और वह सोची की संख्या की कितनी है, तो वह सोची की संख्या बताइए। वह सोची गई संख्या बताइए। ओके, तो करते हैं। देखना फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, अमीना एक संख्या सोचती है। मैंने आपको कह दिया कि इसने बोला है कि अमीना एक संख्या सोचती है। अब क्या सोचती है हमें नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे, एक चर मानेंगे। कि माना कि अमीना ने x सोचा, एक संख्या क्या सोची, x। तो देखना ध्यान से, माना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर क्या है, x। माना क्या लिखा है, जो संख्या सोची वो क्या है, x। तो अमीना एक संख्या सोचती है, वो हमने क्या मान ली, x। अब इसमें 5/2 घटाती है, 5/2 घटाकर, तो क्या करेंगे, वो 5/2 घटाना है इसमें से, जो संख्या सोची उसमें से 5/2 घटाती है, और परिणाम को 8 से गुणा करती है। देखो अब 5/2 घटाकर 8 से गुणा करो इसको, 8 से गुणा, तो x में से सोची गई संख्या x, उसमें से 5/2 घटाना है, -5/2, फिर परिणाम को 8 से गुणा, इसको 8 से गुणा कर दो। ये परिणाम आया है, x में से 5/2 करने से जो आएगा उसको 8 से गुणा करना है, इसको हम यही भी हल कर लेते हैं। तो x -5/2 है वो गुणा हो रहा है 8 से, तो 8 जो है वह पहले गुणा हो रहा है x से, फिर 8 गुणा होगा 5/2 से, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अरे भाई ये कॉस्ट के अंदर है और ये कॉस्ट के बाहर गुणा हो रहा है, तो जब बाहर संख्या अंदर संख्या से गुणा होती है तो दोनों से होगी, पहले 8 x से होगी और फिर क्या होगी, 5/2 से गुणा। 8 को x से गुणा किया, 8x, 8 × x करने के आता है 8x, 8x आ गया, ठीक है, x और 8 गुना हो गए। अब माइनस का निशान आएगा, ये माइनस 8 गुना होगा 5/2 से, तो 8 × 5/2, 8 × 5 ऊपर है, तो 8 × 5 गुना किया 40/2, ठीक है। अब इसको 2 का भाग देके आप इसको 20 भी कर सकते हो, तो 2 का भाग 40 बनेगा 20 बार, तो 8x-20 लिख सकते हैं। ओके, यही पे हो गया। अब
अब जो ये परिणाम आता है ये कहां के साइंटिस्ट क्या कहा इसने सोची गई संख्या एक्स पांच बटा दो घटाया पांच बटा दो घटाया और परिणाम को आठ से गुणा किया या आठ से गुणा किया तो क्या आया आठ एक्स माइनस बीस। अब ये जो आता है वह सोची गई संख्या का तिगुनी है। अब ये जो आ रहा है आठ एक्स माइनस बीस तो प्रश्न वाला जो कह रहा है उसके अनुसार क्या है कि आठ एक्स माइनस बीस आया है ये आठ एक्स माइनस बीस जो आया है वह सोची गई संख्या सोची गई संख्या क्या है सोची गई संख्या बराबर क्या होगी एक्स का तिगुना उसका तीन गुना कर दो। तो प्रश्न वाला कह रहा है हमने एक संख्या सोची है एक्स उसको आठ से गुना और सॉरी पांच बटा दो घटाकर आठ से गुना उसने पांच बटा दो घटाया आठ से गुना किया तो क्या आया आठ एक्स माइनस बीस। अब ये परिणाम आ रहा है तो परिणाम आता है ये किसके बराबर है सोची गई संख्या x का तीन गुना ये जो आया है वो सोची गई संख्या का तीन गुना है बराबर किसके बराबर है ये परिणाम आया है और सोची गई संख्या x का तीन गुना के बराबर है ये इसके बराबर है। अब इसको जब ये समीकरण बन गई पूरी सॉल्व करते हैं तो आठ एक्स माइनस बीस का आठ एक्स माइनस बीस अब x को तीन से गुना किया क्या होगा तीन एक्स ठीक है। अब हम ये तीन एक्स और ये आठ एक्स दोनों एक जैसे हैं एक जैसे पद है सेम पद है सर्वजातीय पद है तीन एक्स प्लस के एक्स जाएंगे इस तरह ठीक है और बीच में आ जाएगा इस तरह आठ एक्स माइनस तीन एक्स बीस माइनस के हो जाएंगे इस तरफ बीस भी जाएंगे प्लस के हमने बीस को उस तरफ क्यों भेजा क्योंकि अगर ये तीन एक्स इस तरफ आएगा ये पूरा पक्ष खाली हो जाएगा और कभी भी एक पक्ष पूरी तरह से खाली नहीं होता इसे अपने बीच को भेजा है इस तरह तो माइनस के बीस है प्लस ठीक है हाँ तीन एक्स गया पीछे बचा पांच बराबर बीस हाँ तीन एक्स पीछे बचा पांच एक्स एक्स का मान निकालना है एक्स बराबर आ गया बीस बच्चा पांच और एक्स पूरे में थे गुणा होते हैं तभी पांच और एक्स साथ में आते हैं पांच या पूरे में आता है तो किस जाएगा एक्स बराबर आ गया पांच का भाग इसमें गया चार बार तो सूची की संख्या क्या है चार एक्स मान क्या है सूची गई संख्या तो सूची की संख्या चार ओके सॉल्व कर लो फिर सेकंड करते हैं। आराम से करें इसको हल करते हैं आराम से कर लेंगे आप लोग कर लेना है हमसे ओके और मैं इसको भेजा दूँ आप लोग आराम से वीडियो को रोक के फिर कर लें ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछना दो संख्याओं में प्रश्न को देखिए आप लोग कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं दो संख्याओं में पहली संख्या जो है पहली संख्या पहली संख्या जो है वो दूसरी की पांच गुना दूसरी की पांच गुनी है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की पांच गुनी है प्रत्येक संख्या में यानी दोनों संख्या में तो पहली और दूसरी दोनों में तो प्रत्येक संख्या में यानी पहली और दूसरी दोनों संख्याओं में इक्कीस जोड़ने पर क्या जोड़ते हैं इक्कीस जोड़ने पर पहली संख्या जो है इक्कीस जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है दूसरी की दुगुनी हो जाती है दुगुनी हो जाती है ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए
दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या कौन सी है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो ये देखना है पहले किसका नाम ले रहा है। दो संख्याएं उसमें पहली संख्या मतलब पहली संख्या दे रही है आपको किसे, ये कह रहा है पहली संख्या जो है दूसरी की पांच गुनी है। तो पहली संख्या क्या हो गई, दूसरी की पांच गुनी है। अभी बात किसी कर रहे हैं, पहली संख्या दूसरी की पांच गुनी है। तो अब दूसरी कौन सी है, दूसरी का नहीं पता, तो सबसे पहले दूसरी को लेते हैं। दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, एक्स। क्या मानेंगे, इस टाइप के प्रश्नों में जब पहला जो आता है पहली संख्या उसको तो जैसा है वैसे का वैसे रहने दो। पहली संख्या क्या कह रहा है, ये पहली संख्या दूसरी की पांच गुनी है। अब पहली संख्या देगी दूसरी की पांच गुनी, अब पहली संख्या की बात इससे कर दी तो दूसरी की पांच गुनी है, लेकिन दूसरी संख्या क्या है उसको क्या मानेंगे, एक्स। सबसे पहले दूसरी संख्या को एक्स मानते हैं। देखना आंसर में माना कि दूसरी संख्या, पहले दूसरी संख्या को मानेंगे क्योंकि पहली संख्या दे दी तो दूसरी की पांच होगी, तो पहली संख्या दूसरी की पांच होगी है। अब बात पहली संख्या की हो रही है, दूसरी की कोई बात नहीं हो रही है, सबसे पहले दूसरी को लेते हैं तो माना कि दूसरी संख्या क्या है, एक्स। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी की पांच गुणी। पहली संख्या कितनी है, दूसरी की पांच गुणी, और दूसरी संख्या कितनी, x, दूसरी की पांच गुणी, दूसरी का पांच गुणा कर दो, x गुणा पांच बराबर क्या हो गया, फाइव x। पहली संख्या आ गई फाइव एक्स, दूसरी संख्या आ गई x, ठीक है। अब क्या रहा है, देखो अब यह प्रत्येक संख्या में 21, प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ने हैं, 21 जोड़ने पर दोनों में 21 की जोड़ो, प्रत्येक संख्या मतलब पहली संख्या में और दूसरी दोनों में 21 जोड़ने हैं। तो लिखो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, 21 जोड़ो दोनों में, एक्स में भी 21 जोड़े ये पहली संख्या होगी तो दूसरी है, एक्स कितनी है, एक्स कैसी संख्या, एक्स प्लस 21 जो कि दूसरी संख्या, और पहली संख्या लिखनी है 5x, फिर 21 जोड़ो 5x प्लस 21 ये होगी दूसरी पहली संख्या, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, अभी कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या कौन सी है, ये रही दूसरी संख्या की दुगुनी, दूसरी की दुगुनी है, दूसरी कौन सी है, ये इसका दुगुना कर दो इसके बराबर होगा पहली संख्या से, ये कह रहा है पहली संख्या वापस देखा जाए पहली संख्या 5x प्लस, प्रश्न के अनुसार लिखना जरूरी है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है पहली संख्या पहली से कौन सी है 5x प्लस 21, दूसरी की दूसरी कितनी है x प्लस 21, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, अब दूसरी कितनी है ये x प्लस 21 इसका दुगुना कर दो गुणा दो, पहली संख्या 5x प्लस 21, दूसरी संख्या ये होगी x प्लस 21 दुगुनी, पहली संख्या कितनी है दूसरी की दुगुनी, दूसरे का दुगुना कर दो किसके बराबर होगा पहली संख्या के, दूसरी संख्या का दुगुना पहली संख्या के बराबर है हो जाती है, दुगुनी हो जाती है इसके बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, अब पहली वाली संख्या ज्ञात करना है 5x प्लस 21, ये पहली संख्या बराबर x प्लस 21 दूसरी संख्या होगी इसको गुणा किया बोलते 2x से गुणा करेंगे पहले 2x, अब 2 को 21 से भी गुणा करेंगे उससे पहले क्या है प्लस का प्लस, 2 को 21 से गुणा किया 21 गुणा बना 5x ये रहेंगे, ये 2x से और ये 5x है दोनों एक जैसे हैं, 2x इससे पाते कितने रहेंगे माइनस के 2x, 21 प्लस के हैं और ये 42 प्लस के हैं, 21 जाएंगे इस तरफ तो 42 माइनस 21 5x 2x 3x
21। अब नेक्स्ट का मान निकालना है 21/3, पूरे में 3 तरफ भी बाकी हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 7। x मतलब दूसरी संख्या, x क्या है दूसरी संख्या क्या है x, यहाँ देखना यहाँ लिखा हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या आ गई, दूसरी संख्या x बराबर आ गई 3। पहली संख्या, पहली संख्या अपनी समीकरण कौन सी बनी है, पहली संख्या क्या है 5 है, दूसरी संख्या है पहली संख्या है 5 है, तो पहली संख्या अगर 5 x, तो 5 का 5 x का मान कितना है 3, x की जगह जो 3 और 5 और x गुणे में है, तो 3 को 5 से गुणा कर दो 15, ये आ गई दूसरी संख्या, सॉरी पहली संख्या 15, सॉरी 3 में जाना है 7 होता है, x का मान कितना है 7, x बराबर कितना है 7, तो दूसरी संख्या होगी 7, पहली संख्या हो जाएगी 5x, मतलब 5 × 7 = 35, दूसरी संख्या आ गई 7, पहली संख्या आ गई 35, क्योंकि पूरी संख्या जो है पूरी संख्या से पहली संख्या जो है 5 × 2 है, मतलब 5x है, तो 35 आ जाएगी। ओके, तो इसको नोट कर लो, समझ में आ गया आपको, पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या x मान ली, पहली संख्या कितनी है दूसरी की 5 × 5x होगी, दोनों में 21 जोड़ा, फिर 21 जोड़ने पर क्या हुआ, जो पहली संख्या है वो दूसरे की दुगुनी, दूसरे के दुगुनी के बराबर हो जाती है, दूसरी संख्या ये इसका दुगुना कर दो तो पहली संख्या के बराबर हो जाएगा, तो दोनों का मान रखा 5x इधर 2x इधर लाया, ये माइनस हो गया 6 से, 21 को भेजा उस तरफ, ये उधर जाती माइनस हो गया, 5 × 3 = 21, x का मान आ गया 7, दूसरी संख्या आ गई 7, तो पहली संख्या आ जाएगी 5x, पहली संख्या कितनी है 5x, शुरुआत की ये याद रखना है समीकरण, तो भाई ये पहले से x माना दूसरे को 5x माना है, दूसरे पहले से क्या है 5x मतलब 5 × 7 = 35, समझ आ गया आपके, चलो इसको नोट कर लो। तो रोड कर लो आराम से, कर लिया आपने बेटा, तुम मिटा दो, आप लोग आराम से कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो रोक के दस से लेके 99 तक
दस और निन्यानवे बीच में क्या आती है, दो अंकों की संख्या थी, ग्यारह बारह तेरह चौदह ऐसे निन्यानवे तक सब दो अंकों की संख्या होती है, इकाई और ढाई दो अंक होते हैं। तो दो अंकों की संख्या बनाने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि दस गुणा दहाई का अंक, दस गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक, ये है दो अंकों की संख्या बनाने का सूत्र, दस गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इसको अपन क्या करेंगे, दस से दस मालूम है आपको, दो अंक दे दिए, इकाई का अंक तो है, इकाई का अंक तो हो गया दो, दहाई का अंक है, दहाई का अंक है पांच। अब दहाई का अंक कितना माना है, पांच, इकाई का अंक कितना दिया हुआ है, दो, दहाई का अंक पांच, दस गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है पांच, पांच रखो प्लस का प्लस, इकाई का अंक कितना है दो, इकाई का अंक आ जाएगा दो, दस गुणा पांच प्लस दो, पांच गुणा के कितना आ गए पचास, दस पंजे पचास प्लस दो, पचास और दो कितने हो गए बावन। तो इस प्रकार हम दो अंकों की संख्या बनाने के लिए फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, दस गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ठीक है। अब एक बार करते चलो, यहां लिखता हूं इकाई का अंक, मैंने आपको दिया था दो और दहाई का अंक दिया था पांच, दहाई का अंक कितना दिया था पांच, ओके, इकाई और दहाई का अंक को याद रखा और आपस में गुणा करके फिर जोड़ा तो आ गया बावन, ठीक है ना। अब एक और करते हैं चलो, फिर मैं आपको दूंगा आपको संख्या बनानी है घर पे होमवर्क के रूप में। तो देखो यहां देखिए, ऐसे वापस दे दिया आपको, जैसे मैंने कहा इकाई का अंक तो आपके पास है, इकाई का अंक आपके पास सात और दहाई का अंक भी है सात, दहाई का अंक कितना है सात। तो अब इससे संख्या बनाओ, इकाई का अंक सात और दहाई का अंक कितना है सात, इससे संख्या बनानी है। अब संख्या बनाने के लिए आप सीधा ये ले सकते हैं, कोई भी संख्या है उन्हें सबसे पहले क्या, इकाई का अंक सात, दहाई का अंक कितना है सात, तो सात, ये बन गई सदस्य है, संख्या बन गई ना। और ये सूत्र भी यही है, कौन सा, दस गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये सूत्र काम में लेना, क्योंकि अभी जो प्रश्न है उसके ये सूत्र काम में आएगा। दस का दस गुणा दहाई का अंक कितना है सात, सात रखो प्लस का दस, इकाई का अंक कितना है सात, दस को सात से मना किया सत्तर प्लस सात का सात, सत्रह सात होगी सतहत्तर, संख्या क्या बढ़ गई सतहत्तर, बढ़ गई ना, बढ़ गई। चलो ऐसे हम इस प्रश्न में अगले प्रश्न में ये काम में आएगी, संख्या कैसे बनाते हैं। तो वापस एक बार आप सूत्र, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या बनाने का सूत्र, सूत्र क्या होता है, दस गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक, यह है सूत्र। अब मैं आपको दे रहा हूं तीन चार, जैसा मैंने कहा इकाई का अंक ले लो दो, अब आपको संख्या बनानी है, इकाई का अंक है दो और दहाई का अंक है, दहाई का अंक है पांच, संख्या बनानी है, इकाई का अंक मैंने आपको दहाई का अंक दे दिया और दहाई का अंक दे दिया, और संख्या बनाने से कौन संख्या बनेगी दो अंकों की, कौन से अंकों की दो अंकों की, फिर इकाई का अंक, इकाई का अंक हो गया पांच और दहाई का अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया छह,
संख्या बनाइए, ठीक है। बस चलो ये होमवर्क है आपके एक्सप्लू, तो हम लोग करके आए इसको, क्या संख्या बनाते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।